अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के दरमियान बैठे हैं। एक शख्स आए और आकर कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूखा हूँ, खाना खिलाइए। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूखा हूँ, खाना खिलाइए। अल्लाह के नबी ने अपने घर पर पैगाम भेजा, अगर खाने की कोई चीज हो तो भेजो, अगर खाने की कोई चीज हो तो पेश करो। लेकिन रावी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी के घरों से जवाब आया, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है। और पानी से क्या मेहमान का पेट भरता है, पानी से क्या मेहमान का पेट भरता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर बीवी के घर से जब ये जवाब आ गया कि घर में पानी के अलावा कुछ नहीं है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा की तरफ मुखातब हुए और फरमाया, कौन है जो आज इस मेहमान की मेहमान नवाजी करे। एक शख्स खड़े हुए, अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इनकी मेहमान नवाजी करूंगा, मैं इनको खाना खिलाऊंगा। हजरत मोहतरम, आप सोच रहे होंगे कि शायद अबू तलहा अंसारी बहुत मालदार सहाबी थे, इसलिए खड़े होकर हामी भर ली। लेकिन आइए जरा अबू तलहा अंसारी का घर देख ले। मेहमान को लेकर घर जाते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं, अकरिमी ज़ैफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल के मेहमान का इकराम करो, यानी इनको खाना पेश करो, इनके सामने खाना लगाओ। तो बीवी कहने लगी, कसम है अल्लाह की, घर में तो सिर्फ बच्चों के भर का खाना है, सिर्फ बच्चों का पेट भर सकता है, उससे ज्यादा खाना नहीं है। अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, बच्चों को भूखा सुला दो, आज बच्चों को भूखा सुला दो, हम मेहमान को खाना खिलाएंगे। बच्चों को भूखा सुला दिया गया और फिर अबू तलहा अंसारी ने अपनी बीवी से कहा कि ऐसा करना, जब तुम हमारे सामने खाना रख चुको तो फिर चिराग को बुझा देना, ताकि मैं खाना न खाऊं, ताकि तुम खाना न खाओ, मेहमान खाना खा ले और मेहमान को तकलीफ भी न हो कि मेरी वजह से इन्होंने खाना नहीं खाया है, इस वजह से चिराग को बुझा देना, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेहमान खाना खा लेगा, उनका पेट भर जाएगा। हजरत अबू तलहा अंसारी की बीवी ने खाना पेश किया और फिर उसके बाद चिराग को सही करने के बहाने उठी और चिराग को बुझा दिया, मेहमान ने खाना खा लिया, बच्चे भूखे सो गए, अबू तलहा अंसारी की बीवी भूखी रही। हजरत अबू तलहा ने उस रात भूखे रात गुजारी, सुबह को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, मेहमान को रात में रुख्सत करके सुबह को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। उधर अल्लाह ने वही नाजिल कर दी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दोनों के अमल का हाल सुनाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला बहुत खुश हुआ है तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के इस अमल से। और अल्लाह ने कुरान करीम की ये आयत नाजिल फरमाई, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, ये सहाबा तो वो है कि इनकी सिफत ये है कि अगर ये खुद जरूरतमंद होते हैं तब भी ये दूसरों को अपनी जरूरतों पर तरजीह देते हैं, उनकी मदद करते हैं। ये हाल था उनका।